गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल रानिया की ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम इकोनॉमिक्स का अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ये है केंज का रोजगार सिद्धांत, केंजियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जैसा कि मैंने पहले वीडियो अपने लेक्चर में बताया था आप सभी को कि विकसित पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं के जो उत्पादन तथा रोजगार के निर्धारण के संबंध में मुख्यतः दो सिद्धांत प्रचलित हैं, एक है द क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत, तथा दूसरा है रोजगार का केंज का रोजगार सिद्धांत। तो परंपरावादी अर्थशास्त्रियों का जो मुख्य कथन था कि फुल एम्प्लॉयमेंट इज ए नॉर्मल फ्यूचर ऑफ ए कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में पूर्ण रोजगार एक सामान्य स्थिति है, यानी कि इन अर्थव्यवस्थाओं में हर समय पूर्ण रोजगार पाया जाता है। यदि थोड़े अल्पकाल में थोड़े समय के लिए बेरोजगारी हो जाती है तो आर्थिक शक्तियों में स्वयं इस प्रकार के परिवर्तन होते हैं कि फिर से पूर्ण रोजगार स्तर पर अर्थव्यवस्था संतुलन में आ जाती है। परंतु जब 1930 की वैश्विक महामंदी आई, 1930 की जो महामंदी विश्व की सभी बड़ी इकोनॉमियों में डिप्रेशन आया, तो उस समय क्या हुआ कि रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत था यह असफल सिद्ध हुआ तथा दुनिया की मुख्य अर्थव्यवस्थाओं में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई। और इन परंपरावादी अर्थशास्त्रियों द्वारा बताए गए उपाय जैसे कि नगद मजदूरी में कटौती करना, ब्याज दर में परिवर्तन करना या कमी करना तथा कीमत स्तर में परिवर्तन करना, इन सभी उपायों को अपनाने के बावजूद भी बेरोजगारी में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं हुई तथा बेरोजगारी कम होने के स्थान पर बढ़ गई। तो इसलिए केंज की एक पुस्तक प्रकाशित हुई था, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। ये पुस्तक 1936 में केंज ने प्रकाशित की और यह पुस्तक थी जो केंज की वो 1930 के महामंदी के विचारों पर आधारित थी। तो केंज ने इस बुक में या अपने सिद्धांत में बताया कि जो परंपरावादी अर्थशास्त्रियों का कथन था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में पूर्ण रोजगार की स्थिति एक सामान्य स्थिति है या विशेषता है, केंज ने इसके विपरीत कहा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में पूर्ण रोजगार की स्थिति एक सामान्य स्थिति नहीं है, बल्कि सभी अर्थव्यवस्थाओं में कुछ ना कुछ बेरोजगारी अवश्य पाई जाती है। तो यह केंज का मुख्य विचार था कि सभी अर्थव्यवस्थाओं में बेरोजगारी पाई जाती है। और केंज ने एक जो कॉन्सेप्ट दिया इसमें वो था प्रभावपूर्ण मांग का, इफेक्टिव डिमांड। प्रभावपूर्ण मांग या इफेक्टिव डिमांड, केंज ने बताया कि प्रभावपूर्ण मांग कुल मांग का वह स्तर है जिस पर वह कुल पूर्ति के बराबर होती है। और यदि अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी है तो आप प्रभावपूर्ण मांग को बढ़ाकर बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं। तो बेरोजगारी होने का मुख्य कारण केंज ने बताया प्रभावपूर्ण मांग में होने वाली कमी या प्रभावपूर्ण मांग का कम हो जाना।
तो ये हमने डिस्कस किया था पहले वीडियो लेक्चर में, इसकी पूरी इंट्रोडक्शन, और इसके बाद हमने तीन मेन आर्ग्यूमेंट्स थे वो भी डिस्कस किए थे केंज के। ये पहला आर्ग्यूमेंट था मनी एलिजन, मनी एल्यूजन या मुद्रा क्रांति। दूसरा था वेज रिजिडिटी, और थर्ड था इफेक्टिव डिमांड। ये तीनों हमने डिटेल में डिस्कस किए थे। अब हम इसकी केंजियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट की एजम्पशन या मान्यता डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या एजम्पशन है इसकी? केंजियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट की फर्स्ट एजम्पशन है इसकी अल्पकाल या शॉर्ट पीरियड। अल्पकाल या शॉर्ट पीरियड केंज ने बताया। केंज का जो मैं आपको बता देता हूं, जनरली केंज का जो मुख्यतः अर्थशास्त्र का अध्ययन है उसका जो चिंतन है वो अल्पकालीन है। क्यों? क्योंकि केंज ने कहा था कि बेरोजगारी की समस्या सभी अर्थव्यवस्थाओं की एक अल्पकालीन समस्या है, और केंज ने इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा कि इन द लॉन्ग रन वी ऑल आर डाई, इन द लॉन्ग रन वी आर ऑल डाई, तो दीर्घकाल में हम सब मर जाएंगे। तो केंज का मुख्यतः जो अध्ययन है वो अल्पकाल के संबंध में है। दूसरा इसकी जो एजम्पशन है वो है पूर्ण प्रतियोगिता या परफेक्ट कंपटीशन। केंज ने भी रोजगार के परंपरावादी सिद्धांत की तरह वस्तु बाजार तथा साधन बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता मानी है। थर्ड इसकी एजम्पशन है वो है बंद अर्थव्यवस्था, या क्लोज्ड इकोनॉमी। कई अर्थव्यवस्था में किसी भी प्रकार का कोई विदेशी व्यापार नहीं होता, ना ही आयात होता है ना ही निर्यात होता। फोर्थ इसकी एजम्पशन है सरकारी आय तथा व्यय की उपेक्षा। केंज ने माना कि सरकार ना ही तो टैक्सों के रूप में कोई कर लगाती है या आय इकट्ठी करती है, और ना ही सार्वजनिक व्यय या अन्य जो वस्तुएं तथा सेवाएं हैं उन पे कोई व्यय करती है। तो सरकार ना आय प्राप्त करती है ना ही व्यय करती है। नेक्स्ट इसकी एजम्पशन है घटता सीमांत प्रतिफल, डिमिनाइजिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, सॉरी घटता सीमांत, घटती सीमांत उत्पादकता। डिमिनाइजिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इसका क्या अर्थ है कि जैसे जैसे हम उत्पादन बढ़ाने के लिए जैसे जैसे श्रम की अधिक इकाइयों को रोजगार पर लगाते हैं तो श्रम का सीमांत उत्पादन घटता जाता है, इसे हम घटती सीमांत उत्पादकता कहते हैं। नेक्स्ट इसकी एजम्पशन थी केवल श्रम ही उत्पादन का घटता बढ़ता साधन है, केवल श्रम ही उत्पादन का घटता बढ़ता साधन है। लेबर इज द ओनली वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। श्रम के बिना जो भूमि पूंजी और अन्य साधन है उनको हम घटा बढ़ा नहीं सकते,
केवल शर्म को ही, शर्म की मात्रा को ही घटाया या बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल थी सैनिकों में मुद्रा क्रांति, मनी एल्यूजन, लेबर हैज मनी एल्यूजन। श्रमिकों में मुद्रा भ्रांति पाई जाती है। मुद्रा भ्रांति से क्या तात्पर्य है कि श्रमिक यह मानते हैं कि जिस अनुपात में उनकी नगद मजदूरी में परिवर्तन होते हैं, वास्तविक मजदूरी में भी उसी अनुपात में परिवर्तन होते हैं। यदि उनकी नगद मजदूरी बढ़ती है तो श्रमिक यह मान बैठते हैं कि उनकी वास्तविक मजदूरी भी बढ़ रही है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो वास्तविक मजदूरी है वो नगद मजदूरी डिवाइडेड बाई कीमत स्तर, इस पर निर्भर करती है, नगद मजदूरी तथा कीमत स्तर के अनुपात पर। अब इसको एग्जांपल से देखेंगे, यदि नगद मजदूरी 10% बढ़ जाए और उसी समय कीमत स्तर में भी 20% का इंक्रीज हो जाता है तो वास्तविक मजदूरी है वो आधी रह जाएगी, परंतु क्योंकि श्रमिकों में मुद्रा भ्रांति पाई जाती है तो वो कीमत स्तर में होने वाले परिवर्तन की अवहेलना करेंगे और वो ये मानेंगे कि उनकी नगद मजदूरी 10% बढ़ी है तो उनकी वास्तविक मजदूरी भी 10% बढ़ गई है। और कैंट की जो अगली एजम्पशन थी वो मुद्रा द्वारा मूल्य का संचय भी किया जाता है। परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार क्या था कि मुद्रा केवल और केवल विनिमय का माध्यम है, ओनली ट्रांजिटिव मोटिव के लिए उपयोग लाई जाती है, परंतु केंज ने बताया, केंज की मान्यता थी कि इसके साथ साथ मुद्रा धन के संचय में भी काम आती है, होल्डिंग में भी काम आती है। और इससे इसकी जो नेक्स्ट एजम्पशन है वो है केंज की समय विलंब की उपेक्षा, केंज ने टाइम लैग है उसकी उपेक्षा की। इसका क्या अर्थ है, केंज ने कहा कि जिस भी स्थिति में हम मजदूरों को बढ़ाते हैं या साधनों को बढ़ाया जाता है उसी क्षण उत्पादन में वृद्धि होती है और उससे आगे रोजगार में और वृद्धि होती है। इसमें कोई टाइम लैग नहीं लगता, एट ए टाइम एक उत्पादन में वृद्धि होने पे उसी समय रोजगार में भी वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट इसकी एजेंशन थी वो थी अल्प रोजगार संतुलन। केंद्र ने बताया कि अर्थव्यवस्था लगभग मोस्टली अर्थव्यवस्थाओं में अल्प रोजगार स्तर पर संतुलन पाया जाता है, यानी कि कुछ ना कुछ बेरोजगारी पाई जाती है। नेक्स्ट थी केंद्र की एजेंशन बचत तथा निवेश फलन, इसमें केंज ने बताया कि जो बचत है वो एसीजे फंक्शन ऑफ वाई, बचत आय के स्तर पर निर्भर करती है केंज के अनुसार। और परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने क्या कहा था, एसीजे फंक्शन ऑफ आर, बचत ब्याज की दर पर निर्भर करती है। इसके विपरीत केंज ने कहा कि बचत आय के स्तर पर निर्भर करती है और निवेश को केंज ने ब्याज का फलन माना। निवेश ब्याज की दर तथा पूंजी की सीमांत उत्पादकता पर निर्भर करता है और बचत तथा निवेश में समानता आय के स्तर तथा ब्याज की दर में होने वाले परिवर्तनों के माध्यम से होती है। नेक्स्ट इसकी एजेंशन थी ब्याज मौद्रिक तत्वों पर निर्भर करता है।
केंज ने माना कि जो ब्याज है वो एक मॉनेटरी फिनोमिनन है, इसका वास्तविक तत्वों से कोई संबंध नहीं है, यानी कि ब्याज की दर मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति के संतुलन द्वारा तय होती है, और मुद्रा की मांग है वो तीन उद्देश्यों के लिए की जाती है। कौन कौन से उद्देश्यों के लिए मुद्रा की मांग केंज ने बताया? जो ब्याज है वो एक मौद्रिक घटना माना केंज ने, और ये मुद्रा की पूर्ति, मुद्रा की मांग तथा मुद्रा की पूर्ति द्वारा निर्धारित होता है, और मुद्रा की मांग है वो तीन प्रकार से की जाती है, ये देखेंगे हम। पहली है लेन देन उद्देश्य, सेकेंड इज सावधानी उद्देश्य, एंड थर्ड इज सट्टा उद्देश्य। ये है जो लेन देन उद्देश्य, लिक्विडिटी या तरलता डिमांड, एलटी इज ए फंक्शन ऑफ बाई, एंड सावधानी उद्देश्य या प्रिकॉशनरी मोटिव, इसके लिए हम लिखेंगे लिक्विडिटी प्रेफरेंस फॉर प्रिकॉशनरी मोटिव इज ए फंक्शन ऑफ आल्सो वाई। लेन देन उद्देश्य के लिए जो मुद्रा की मांग है वो आय सतह पर निर्भर करती है, यानी कि आय बढ़ती है तो लेन देन उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग बढ़ती है, सावधानी उद्देश्य के लिए भी मुद्रा की मांग आय के स्तर पर निर्भर करती है, परंतु जो सट्टा उद्देश्य के लिए मांग है स्पेक्युलेटिव मोटिव के लिए, वो फंक्शन बताया गया है कि ये आय का फंक्शन है, तो जो सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग है वो ब्याज की दर पर निर्भर करती है। तो इकट्ठा इस इक्वेशन को लिखेंगे तो एलटी प्लस एलपी प्लस एलएस इज ए फंक्शन ऑफ वाई एंड आर, तीनों जो मुद्रा की मांग है वो आय तथा ब्याज की दर पर निर्भर करते हैं। अब इसको आगे इकट्ठा कर देंगे, एल इज इक्वल टू टी प्लस टी प्लस एल एस इज ए फंक्शन ऑफ वाई एंड आर। ये जो लेन देन उद्देश्य और सावधानी उद्देश्य है, इन दोनों को यहाँ इकट्ठा कर दिया, क्योंकि इन दोनों उद्देश्यों के लिए जो मुद्रा की मांग है वो आय के स्तर पर निर्भर करती है, और सट्टा उद्देश्य के लिए जो मुद्रा की मांग है वो ब्याज की दर पर निर्भर करती है। तो इस तरह से केंज ने जो ब्याज को है वो मौद्रिक तत्वों पर निर्भर बताया, और परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने बताया था कि ब्याज है वो एक वास्तविक घटना है या वास्तविक तत्वों पर निर्भर करता है। तो ये हमने केंज की केंजियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट या केंज के रोजगार सिद्धांत की मुख्य एजम्पशंस की। तो इसके एजम्पशन मैं एक बार फिर आपको, फर्स्ट एजम्पशन है शॉर्ट पीरियड, केंज का जो अध्ययन है वो शॉर्ट पीरियड के लिए है। सेकंड एजम्पशन है परफेक्ट कंपटीशन, थर्ड एजम्पशन है क्लोज्ड इकोनॉमी, और फोर्थ एजम्पशन है इसके कि इग्नोर्स द रोल ऑफ गवर्नमेंट एज ए स्पेंडर और ए टैक्सर। नेक्स्ट है इसकी डिमिनाइजिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट इसकी एजम्पशन है लेबर इज द ओनली वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट लेबर हैज मनी इल्यूजन, एंड नेक्स्ट इज मनी आल्सो एक्ट एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू, मुद्रा संचय का माध्यम भी है। नेक्स्ट है इसकी नो टाइम लैग, कोई टाइम लैग नहीं है, आर्थिक परिवर्तन होते हैं उनमें। नेक्स्ट है इसकी अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, अर्थव्यवस्था में अल्प रोजगार संतुलन भी पाया जाता है।
नेक्स्ट एजेंसी, इसकी एजेंसी है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन। सेविंग है वो आय के स्तर पर निर्भर करती है और इन्वेस्टमेंट है वो ब्याज की दर पर निर्भर करता है। नेक्स्ट इसकी एजेंसी है आर इज ए मॉनेटरी फिनोमिनल, ब्याज है वो मौद्रिक तत्वों पर निर्भर करता है। ब्याज का निर्धारण, ब्याज का निर्धारण इस तरह से होता है, डिटरमिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट, मुद्रा की मांग तथा मुद्रा की पूर्ति द्वारा किसी अर्थव्यवस्था में अल्पकाल में मुद्रा की पूर्ति सामान्यतः स्थिर रहती है। तो ब्याज की दर का मुख्य निर्धारक मुद्रा की मांग से होता है। मुद्रा की मांग तीन प्रकार की होती है, तो ये हमने डिटेल में स्टडी की इसकी आज एजेंप्शन। तो कल जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम इसकी व्याख्या करेंगे, केंज के रोजगार सिद्धांत की एक्सप्लेनेशन ऑफ केंजियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। थैंक यू।